बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बेहद अहम है, जहां लगातार वोटिंग एक तरफ जा रही है तो दूसरी तरफ अहम खबर की हम बात कर ले, क्योंकि वोटिंग परसेंट यहां पर सुबह 9 बजे तक का तो आ चुका है, लेकिन अभी कितनी तेजी से लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों भी हमें। इस बीच वीवीपैट मिलान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, ये अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी है, बड़ी और अहम खबर, सभी याचिकाओं को खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। वीवीपैट मिलान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज किया। अदिति बिल्कुल, और ये शायद इसका सही तरीके से जवाब तो हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता देंगे, लेकिन उससे पहले आज के दिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया इसकी जो खबर है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी भी ये बात कहते हैं कि जब हार सामने दिख रही है तो ईवीएम वीवीपैट जैसा जिक्र शुरू हो जाता है। बैलेट पेपर की मांग थी और इसलिए इसे याचिका को खारिज किया गया, क्योंकि बार बार याद थी ईवीएम एक ही तरफ जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं, गलत है परिणाम, इस तरह की बातें जो आती, शायद यही वजह थी। और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उसमें कितने दिन लगेंगे, आप बैलेट पेपर करेंगे, हम आई स्पीड की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की बात शहर में नहीं जा सकते। और मिलान को लेकर भी यहाँ पर खारिज कर दिया गया है, जबकि बात थी कि 6-7 कम नंबर को एक बार मिलान करना जरूरी है। रिएक्शन इस पर ले लेते हैं, रिएक्शन आपका। देखिए, मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो न्यायोचित ही होगा, क्योंकि उन्होंने जो सारी पक्ष को देखा है, पर मेरा मानना ये कि जो शंकाएं हमारे मन में थी या लोगों के मन में थी उसका समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बात था, ये उनका अधिकार था, वो गए हैं, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं दुनिया भर में देखी गई है लोकतंत्र में इस ईवीएम को मशीन को लेकर, क्योंकि विकसित देशों ने भी इसको खारिज किया है, तो चूंकि विकसित देशों में भी इसके बारे में धारणाएं थी कि वहां गड़बड़ी होती है, तो उन्हीं धारणाओं में ये बात भी शामिल थी और लोगों का मन था, जो प्लेटफॉर्म में शामिल थे उन्होंने इसकी अपील अगर सुप्रीम कोर्ट में की तो मैं समझता हूं उन्होंने न्याय मांगने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो हम उसका स्वागत करते हैं और आने वाले समय में चीजों को